नमस्कार दोस्तों, एमडीयू कैंपस न्यूज के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा के हजारों छात्रों का इंतजार खत्म हुआ है। हरियाणा की अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर दोस्तों पीजी के दाखिले चले हुए थे। बहुत से स्टूडेंट के एडमिशन हो चुके हैं, बहुत से के नहीं हो पाए हैं, और बहुत से छात्रों की इच्छा है दोस्तों कि वो कॉलेज से पीजी करें। तो उन स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों कल नोटिस आया है। डीएचसी ने कल 4 अक्टूबर को नोटिस निकाल के बताया है कि जो है पीजी के दाखिले शुरू हो चुके हैं कॉलेज के अंदर। उन्होंने दोस्तों पूरा शेड्यूल दिया है नोटिस के अंदर, वो शेड्यूल मैं आपको बताऊंगा। बहुत से स्टूडेंट जो है शेड्यूल के बिना डेट का पता नहीं होता, इसलिए फॉर्म भरने से वंचित रह जाते हैं। तो सभी साथी जो है वीडियो को शेयर करें, फैलाएं, ताकि सब तक वीडियो पहुंच जाए और सब अपना समय से फॉर्म भर पाएं। तो दोस्तों जो शेड्यूल है वो इस प्रकार है। आज 5 अक्टूबर और यानी कल 6 अक्टूबर को हरियाणा के किन कॉलेज के अंदर पीजी है, किसमें नया कोर्स जुड़ा है, किसके अंदर सीट कितनी बड़ी है, किसमें कितनी सीट है, तो दोस्तों पूरी फीस, सीट और कोर्स की अपडेट जो है आज और कल यानी कि 5 और 6 अक्टूबर को डीएचसी द्वारा की जाएगी दोस्तों। उसके बाद 7 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच में ऑनलाइन फॉर्म भरवाए जाएंगे दोस्तों, डीएचसी की साइट से जो फॉर्म भरे जाएंगे, ये दोस्तों ध्यान रखना, 7 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक। इसके बाद दोस्तों 11 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक के बीच जो है आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी, जो आपकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है उसको जांच किया जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में और एलिजिबिलिटी में कोई दिक्कत आती है तो दोस्तों वो आपको बता दिया जाएगा, उसकी लिस्ट लगेगी, वो आपको सबमिट कराना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद 22 अक्टूबर को पहली मेरिट लिस्ट लगा दी जाएगी। ये याद रखने योग्य बात है दोस्तों कि पीजी एडमिशन के लिए, कॉलेज के अंदर पीजी एडमिशन के लिए केवल एक ही मेरिट लिस्ट लगेगी। तो दोस्तों 22 तारीख को मेरिट लिस्ट लगेगी, 26 तारीख तक के लिए, 26 अक्टूबर तक के लिए वो मेरिट लिस्ट वैलिड रहेगी। यानी कि 22 को जिस पहली मेरिट लिस्ट के अंदर जिस स्टूडेंट का नाम आएगा वो 26 अक्टूबर तक के लिए अपनी फीस कटवा सकता है, अपना एडमिशन करा सकता है। इसके बाद दोस्तों 28 अक्टूबर को जो है ओपन काउंसलिंग की जाएगी दोस्तों। जो भी स्टूडेंट वहां पहुंचता है 28 तारीख को कॉलेज के अंदर, तो उनको ओपन काउंसलिंग में उस दिन शामिल कर लिया जाएगा। इस बार दोस्तों यूजी पीजी एडमिशन के अंदर जो कमी रह गई थी डीएचसी द्वारा, जो यूजी में उन्होंने की थी, उसको सुधारा गया दोस्तों। ओपन काउंसलिंग का जो उनका तरीका था उसको बदला है। तो दोस्तों पहले पीजी के अंदर पहले 28 तारीख को ही जो है ओपन काउंसलिंग कर ली जाएगी, जो स्टूडेंट वहां प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो सीट बचती हैं, वैकेंट सीट हैं, उनको डिस्प्ले किया जाएगा और 28 को ही वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी दोस्तों। 28 की शाम को जो स्टूडेंट एडमिशन, जिनको जिन्होंने फॉर्म भर रखा था 17 तारीख यानी कि लास्ट डेट से पहले जिन्होंने फॉर्म भर रखा था, उनकी वेटिंग लिस्ट डीएचसी द्वारा जारी की जाएगी दोस्तों। और 29 तारीख को, 29 अक्टूबर को दोबारा से पोर्टल को रीओपन किया जाएगा। उसके अंदर आप अपने सब्जेक्ट कम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं, अपना सब्जेक्ट बदल सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, और जो नए स्टूडेंट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना दोस्तों कि समय रहते अपना फॉर्म भरना है और समय रहते अपनी इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी है, अपने मेल को चेक करना है। इसके अलावा दोस्तों एमडीयू कैंपस न्यूज हरियाणा के किन किन कॉलेज के अंदर जो है पीजी के कोर्सेज हैं, कौन से कोर्सेज हैं, किसकी कितनी सीट हैं, किसकी कितनी फीस हैं, इस बारे में लगातार जो है एडमिशन के समय अपडेट देता रहेगा। तो आप एमडी कैंपस न्यूज से जुड़े रहिए, आपको अपडेट मिलती रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हर छात्र तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।